तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कुमावत टेक पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह के स्टेटस कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप अपना खुद का फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट इज़ पिक्सआर्ट और सेकंड इज़ कॉटेज क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट को ओपन करना है। जब पिक्सआर्ट को आप ओपन करो तो वहाँ से आपको कोई भी इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप बैकग्राउंड रखना चाहते हो। तो ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि उसके बाद ये ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जाना है यहाँ पे ड्रॉ वाले ऑप्शन पे। तो आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे MP3 प्रोजेक्ट में MP3 लेयर ऐड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कलर का आइकॉन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ले लेना है ब्लैक कलर, और ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखिए ऑपोसिटी इसकी 100%, आपको अपने फोटो के हिसाब से इसकी ऑपोसिटी को कम कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फोटो थोड़ा और डार्क हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा और कम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 50% रख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप इस फोटो को कर दीजिए सेव। तो मैं इस फोटो को कर देता हूँ गैलरी में। तो फ्रेंड्स, मैंने वो इमेज सेव कर लिया गैलरी में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना है जिसका नाम है कॉटेज क्रिएटर। ये आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड दिया रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फोटो गैलरी ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो अभी इमेज सेव किया है वो वाला फ्रेंड्स इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो अभी इमेज सेव किया था वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला इमेज यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ अगर कट करना हो, क्रॉप करना हो, तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मुझे ये फोटो क्रॉप नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे बेसिकली थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज ये एडिट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ होता है कि डबल टैप टू राइट टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको दो बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो या फिर आप कौन से भी लैंग्वेज में यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो मैंने टेक्स्ट डाउनलोड किया था गूगल क्रोम से, वो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, और इस टेक्स्ट की साइज़ को कम कर देता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट था। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रॉपरली फॉन्ट्स, कलर, इफेक्ट। तो फिर मैं फॉन्ट्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी डाउट, तो मैं ये वाला कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको कलर को कर देता हूँ मैं थोड़ा सा येलो। तो मैंने यहाँ पे इसको कलर कर दिया, और अभी इसको मैं साइज को कर देता हूँ थोड़ा छोटा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको आपको ऐसे स्लाइड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट था वो छोटा हो गया। अभी आपको यहाँ पे कोई भी कलर अगर चेंज करना है तो उस पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो ये वाला कलर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से यहाँ पे इसको कर दीजिए सेट, और यहाँ पे आप कुछ इमोजीज वगैरह भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ डबल टैप करता हूँ, और यहाँ पे आपको इमोजी वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमोजी भी आ जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फिर से इफेक्ट्स वाले में ऑप्शन में जाना है। अगर आपको कोई फोटो पीछे का थोड़ा ब्लर करना है तो आप इसे ब्लर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपका फोटो थोड़ा डार्क है तो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद आगे यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड दिए रहते हैं अलग अलग डिजाइन में, आप वो भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। तो आपको और भी अगर टेक्स्ट अच्छे दिखाना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे ब्लर कर देना, ताकि जो टेक्स्ट है वो थोड़ा और अच्छे दिखने लगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है सेट, और इसको तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स सेव का। तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि सेव इमेज। और इसमें फ्रेंड्स, आप वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स अगर आप चाहो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालना चाहते हो तो वहाँ पे आपको अगर कोई एडमार्क वाटरमार्क डालना है तो आप इधर से भी यहाँ पे वाटरमार्क डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।